नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं मनोज मिश्रा। भूत भविष्य वर्तमान जानने के बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे बाबाओं के वीडियो मिल जाएंगे। ये मंत्र जपिए, इससे आपको ये लाभ होगा। इस प्रकार देव आपको बताएंगे, कान में बताएंगे, प्रत्यक्ष आकर बताएंगे। इस प्रकार के अनर्गत प्रलाप आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ये नहीं कहता कि सारे यूट्यूबर फेक हैं, सब लोग गलत मंत्र बता रहे हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न जरूर यहाँ पर खड़ा करता हूँ, क्या उनका व्यक्तिगत अनुभव उस मंत्र पर है? अगर व्यक्तिगत अनुभव उस मंत्र पर नहीं है तो उनका कोई अधिकार नहीं गलत जानकारी देने का यूट्यूब पर। मैंने आपको अपने कई वीडियो में बताया है कि मैंने 1000 मंत्रों पर रिसर्च किया है। कितना? 1000 मंत्रों पर। और 1000 मंत्र पर रिसर्च ऐसे नहीं हो जाता है, एक लंबा अरसा लगता है 1000 मंत्रों पर रिसर्च करने के लिए। मुझे भी लगा, मैं 2011 से इस लाइन में हूँ। कितना? 2011 से, करीब 9 साल का मेरा एक अरसा रहा है मंत्र साधना पर। और मैंने हर एक मंत्र पर रिसर्च किया है, हर एक मंत्र का अनुभव मेरे पास है। मैं आप लोगों को वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने स्वयं किया है और उसका अनुभव प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मेरा कुछ मंत्र कुछ विधियाँ किताबी ज्ञान से हटकर हैं। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आप सभी को, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो ध्यानपूर्वक सुने। आज के गृहस्थ व्यक्ति को वही साधना करनी चाहिए, उसी मंत्र को छूना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई हानि ना हो। अघोर मार्ग की पद्धति को बता तो लोग बहुत सरलता से देते हैं, लेकिन उनमें कितनी प्रकार की हानियां हैं, क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, इसके विषय में बहुत कम ही लोग बताते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को अघोर पद्धति का कोई मंत्र छूना ही नहीं चाहिए। और मैं अपने चैनल पर अघोर पद्धति लेता ही नहीं हूँ। अघोर पद्धति सन्यासियों के लिए है, अघोरियों के लिए है, जो समाज से विरक्त हो गए हों, जंगलों में पहाड़ों पर अपना जीवन बिताने का संकल्प लिया है, परमात्मा की प्राप्ति का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, वो सब ये साधना करें, क्योंकि उन्हें जंगल में बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर के निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या संन्यास हो। लेकिन एक फर्क है गृहस्थ और संन्यास में, गृहस्थ व्यक्ति अपना ही नहीं, 5-6 लोगों का या 10 लोगों का, या उसके पास सामाजिक कुछ दायरा होता है, सामाजिक कुछ कर्तव्य होता है, इसलिए गृहस्थ पर भार ज़्यादा होता है। और संन्यासी का केवल कर्तव्य है आत्मकल्याण, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, इसलिए वह सिद्धियाँ कर सकता है और सिद्धियों से अपने शारीरिक लाभ भी उठाता है। तो गृहस्थ व्यक्ति भी दैवीय कृपा प्राप्त कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब भी आप दुखी हों, दरिद्रता आपको घेर लिया हो, तब आप ऐसी कोई शक्ति का आह्वान करिए, दैवीय शक्ति का, जो आपका साथ दे, आपका मार्गदर्शन कर सके। ये तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको भूत भविष्य वर्तमान जानने का एक भगवान शिव का अमोघ मंत्र बता रहा हूँ। बहुत पावरफुल मंत्र है, और इस मंत्र को करें जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करें, और देखें इसका परिणाम क्या होता है। चमत्कार हो जाएगा भाई, चमत्कार हो जाएगा निश्चित रूप से। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मंत्र अगर जप करेंगे तो यह देव प्रत्यक्ष होगा, कम मंत्रों का जप करेंगे तो स्वप्न में भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आपको मिलेगी। तो सर्वप्रथम पहले आप मंत्र सुने। ओम नमो भगवते रुद्राय शमशान मालिनी चंडी योगिनी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लें। ओम नमो भगवते रुद्राय शमशान मालिनी चंडी योगिनी स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र की पूर्ण जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करिए, इसके बाद और पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ मैं वीडियो केवल जिज्ञासा वश बना रहा हूँ कि आप लोग जाने कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में ऐसी कुछ व्यवस्था है, ऐसे कुछ विज्ञान है जिससे लोग बता देते हैं, लोग चमत्कार करते हैं, और पढ़े लिखे लोग के मन मस्तिष्क से ये परे होता है और वो सोचने लगता है ये कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। वो विचार करता है और समझ नहीं पाता है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे की एक व्यवस्था क्या है, उस पद्धति को जान नहीं पाता। तो
तो अगर आप पूर्ण पद्धति को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मुझसे इस मंत्र की दीक्षा लेना होगा, तभी आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देख करके साधना ना करें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता भी रहा हूँ कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा साधना के विषय पर, कि साधना किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए और वीडियो को देखकर साधना किस प्रकार ना करें, ये मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को जरूर आगाह करूंगा, आप लोगों को चेतावनी दूंगा। आपको अगर साधना करना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिए और मुझसे दीक्षा लीजिए, मैं इसका कुछ शुल्क लूंगा। इसके बाद पुनः साधना में प्रवेश करिए ताकि आपके ऊपर किसी की निगरानी रहे, आपके ऊपर शासन रहे। मंत्र का अर्थ होता है शासन करना, तो जब तक आपके ऊपर किसी का शासन नहीं रहेगा किसी गुरु का, तब तक कोई भी मंत्र तंत्र सिद्ध नहीं होता है। चलिए ये मंत्र आपने सुन लिया दो बार। इस मंत्र का पुरस्करण कैसे करना है, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहता है करंजन वृक्ष पर चढ़ करके, एक वृक्ष होता है करंजन वृक्ष, उस वृक्ष पर चढ़ करके इस मंत्र को केवल केवल 10,000 जप करना है। आप एक रात्रि में, दो रात्रि में, या तीन रात्रि में, या चार रात्रि में, जैसा हो सके इस मंत्र का प्रोसरण कर लीजिए 10,000 बार। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आपका प्रोसरण पूर्ण हो जाए इसके बाद करना क्या है, चंगोरी से एक कोई द्रव्य आता है जिसका नाम है चंगोरी। क्षमा कीजिएगा, ये द्रव्य नहीं, कोई जड़ी बूटी है, द्रव्य मेरे मुख से निकल गया इसलिए माफी चाहूंगा। चंगोरी के रस से दशांश पूर्ण करना है, अर्थात अगर 10,000 आप जप कर लीजिए करें तो दशांश चंगोरी के रस से आप हवन भी करें। हवन के बाद चंगोरी के रस को अपने शरीर पर लेप करेंगे, इस मंत्र की एक माला जप करेंगे, आपको स्वप्न में यह देव शुभाशुभ फल बताएगा, भूत भविष्य वर्तमान की पूरी पद्धति बताएगा। ये 30 अक्षरों